नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं एमवाई न्यूज। इंडियन प्रीमियर लीग का 21वां मैच दिल्ली डेयर डेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और स्वागत है आपका मैच रिपोर्ट के इस नए एपिसोड में। दरअसल इस मैच रिपोर्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि ये मैच कौन जीत सकता है, साथ ही आपको पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड परफॉर्मेंस बताने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों दरअसल इससे पहले गुजरात लायंस और आरसीबी के बीच हुए मैच में हमने आपको बताया था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 70% चांसेस है कि मैच जीत सकते हैं, और मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया था। दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो अभी तक दोनों ही टीमों के बीच 8 आईपीएल मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 5 आईपीएल मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी है, तो वही 3 आईपीएल मैच दिल्ली डेयरडेविल्स ने जीते हैं। तो वही आईपीएल के 21वें मैच के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग लाइनअप अभी तक आईपीएल 2017 का सबसे सक्सेसफुल बॉलिंग लाइनअप है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर ने आईपीएल 2017 में 39 विकेट लिए हैं। तो वही पावर प्ले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने अभी तक सबसे ज्यादा आईपीएल 2017 में 11 विकेट्स लिए हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2017 में अपने होम ग्राउंड पे यानी हैदराबाद में अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। तो वही यहां पर उन्होंने तीनों मैचों में जो अभी तक उन्होंने खेले हैं पहले बल्लेबाजी ही की है। दरअसल हैदराबाद की ये पिच पूरी तरीके से स्पिनिंग पिच है, लेकिन शुरुआत में तेज और मीडियम पेसर्स को यहाँ पर हल्का सा स्विंग और सीम जरूर मिलता है। तो वही इस पिच पर दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से जहीर खान और अमित मिश्रा, तो वही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी देखने लायक होगी। तो वही सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल्स इन दोनों ही टीमों के पिछले मैचों की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को अपने पिछले मैच में हरा दिया था। तो वही दिल्ली डेयरडेविल्स दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गए थे। लीग और पॉइंट्स टेबल पोजीशन में सनराइजर्स हैदराबाद इस समय तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्हें 3 मैचों में जीत मिली है और उनके 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर वे आज का मैच दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ जीत जाते हैं तो वे पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो वही दिल्ली डेयरडेविल्स पॉइंट्स टेबल में 4th स्थान पर हैं। उन्होंने 4 मैचेस खेले जिनमें उन्हें 2 मैचों में जीत मिली है और उनके 4 अंक हैं। लेकिन अगर वे आज का मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत जाते हैं तो वे पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच होने वाले इस आईपीएल के 21वें मैच की मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद का पटला थोड़ा भारी है और वह 65% इस मैच को जीत सकते हैं, तो वही दिल्ली डेयरडेविल्स के जीतने के चांस 35% के हैं। दरअसल दोनों ही टीमों को कंपेयर करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ज्यादा स्ट्रांग है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास डेविड वार्नर और युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज हैं। तो वही बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो टीम की बॉलिंग लाइनअप फॉर्म में है। टीम के पास राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज हैं। आपके हिसाब से दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला मैच कौन जीत सकता है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।